सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि पहले तो हमें इजाज़त ही नहीं मिलती थी खेलने की स्ट्रीट क्रिकेट, क्योंकि उस वक्त पढ़ाई का प्रेशर काफ़ी था फैमिली की तरफ से, और जब स्ट्रीट क्रिकेट खेलने की कोशिश करते थे वो छुप छुप के खेलते थे। तो स्ट्रीट क्रिकेट का बेसिकली फ़ायदा भी होता है, क्योंकि जब आप टेप बॉल खेलते हैं, स्पेशली मैं खुद एक अपने आप को ही कहता हूँ कि मैं टेप बॉल की पैदावार हूँ, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी टेप बॉल क्रिकेट खेली 2008 तक। तो टेप बॉल का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है मेरा, क्योंकि उससे मैंने काफ़ी सारी वेरिएशन सीखी टेप बॉल में, क्योंकि जब आप टेप बॉल स्ट्रीट पे खेलते हैं तो ज़ाहिर है जगह भी छोटी होती है, कभी सम टाइम आप ग्राउंड में भी खेलते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रीट में खेलते हैं लाइक किसी गली में, तो वहाँ आपको स्ट्रेट बैट छक्के मारने पड़ते हैं, फिर बैट्समैन को उस हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैं तो बेसिकली बॉलिंग ही करता था, टेप बॉल में बैटिंग भी बहुत अच्छी करता था लेकिन बॉलिंग मेरी ज़्यादा काउंटेबल थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और टेप बॉल क्रिकेट इंपॉर्टेंट भी है लेकिन जब तक आप हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट में आए थे तो फिर ये होता है कि आपको फिर पूरा टाइम प्रोफेशनल क्रिकेट में देना पड़ता है, क्योंकि एज अ फास्ट बॉलर टेप बॉल में अगर आप खेलते हैं तो जब आप हार्ड बॉल में आते हैं तो थोड़ा सा लाइट वेट और हैवी वेट का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर में पेन, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप प्रोफेशनल लेवल पर आते हैं तो आपको हर चीज़ की अवेयरनेस आती है कि आपको सॉफ्ट ग्राउंड पर खेलने की आदत होती है, तो जब आप हार्ड बॉल से टेप बॉल खेलने आएंगे स्ट्रीट में तो ऑब्वियसली बात है ज़मीन होती है थोड़ी हार्ड, तो उसके हिसाब से आपको इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो जब से मैंने हार्ड बॉल स्टार्ट की तो उसके बाद मैंने क्रिकेट को बिल्कुल खैराबाद कह दिया टेप बॉल की, उसकी वजह ये थी क्योंकि मेरा शोल्डर उतर गया था टेप बॉल में बॉलिंग करते हुए, जिसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ, 4-5 महीने मैंने रेस्ट किया, तो ये थोड़ा सा एक नुकसान होता है, लेकिन फ़ायदे भी बहुत होते हैं, क्योंकि जब आप गली में खेलते हैं तो आपको वेरिएशंस काफ़ी करने को मिलती हैं, फिर आपके बैटिंग में रिफ्लेक्सेस बड़े तेज़ होते हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा गुड साइन होता है। तो मेरे एक फ्रेंड थे हमाद भाई, जो अब बहरीन में होते हैं, वो बहरीन से क्रिकेट खेल रहे हैं माशाल्लाह, और वो मुझे मेरी फैमिली से परमिशन लेकर एक अच्छे टेप बॉल के टूर्नामेंट में लेके गए थे, तो वहाँ से मेरा बेसिकली बड़ा शौक डबल हो गया था, फिर उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स से आगे परमिशन ली कि आपका प्लेयर ये जो बच्चा है बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और इसकी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो आप इसको थोड़ा सा पुश करें कि यार इसको हार्ड बॉल में की तरफ ले लेकर आएं। तो उनके कहने के ऊपर फिर मेरे कुछ 2-3 महल्लेदार थे, बुजुर्ग थे, जिन्होंने अब्बू को फोर्स किया कि यार इसको खिलाएं क्रिकेट, अच्छी है, अच्छे खेलेगा, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान भी खेल सकता है, इसमें इतना टैलेंट है। तो फिर अब्बू ने मुझे जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो वहाँ से मुझे पुश किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ। जब मैं 11 साल का था तभी मेरी बॉलिंग की स्पीड बहुत तेज़ थी टेप बॉल में, तो मुझे मेरे महल्ले के जो बड़े लड़के होते हैं, जैसे हम कहते हैं टेप बॉल की लैंग्वेज में, तो वो आकर परमिशन लेकर जाते थे मेरी, और मुझे इवन मेरे घर से, जो मेरा घर नॉर्थ कराची में था, वहाँ से मुझे मनोड़ा तक मैच खिलाने के लिए मेरे दोस्त यार लेकर जाते थे मुझे, जो कि ज़ाहिर है पेरेंट्स होते हैं तो उनको फिक्र भी होती है कि हमारा बच्चा किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से खेलने को मिलती थी, लेकिन खेली। असल में वो जो जुनून और शौक होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है जब आप टेप बॉल खेल रहे होते हैं, क्योंकि टेप बॉल जब आप खेल रहे होते हैं ना, तो एज अ प्लेयर आप ये सोच रहे होते हैं कि यार बस खेलना है और खेल करना जिताना है अपनी टीम को। तो मैं जब खेलता था, भले मैं बॉलर था, लेकिन जब मेरी बैटिंग आती थी तो मैं सिंगल हैंडेडली मैच जिताने की कोशिश करता था, बहुत सारे जिताए भी अपनी टीम को। उसकी वजह ये होती थी कि यार वन मैन शो बनने का बड़ा शौक होता था, क्योंकि सारा क्राउड आपको देख रहा होता, टेबल हो गया, आप देखा होगा कभी जो मिट्टी का ग्राउंड होता है वहाँ के बाउंड्रीज के बाहर लोग आपको देख रहे होते हैं, तो जिस तरह वो एक एनवायरनमेंट होता ना, इसी तरह जब आप हार्ड बॉल क्रिकेट में आते हैं तो जब क्राउड बैठा हुआ था तो वो सेम प्रेशर होता है जो टेप बॉल में होता है, लेकिन टेप बॉल का प्रेशर आप इसलिए इजी ले लेते हैं क्योंकि वो इतने हाई फाई पैसे नहीं लगे हुए, आप अगर हार भी जाओगे तो आपको सिर्फ 2 वक्तों को ही कुछ बुरा भला बोलेगा लेकिन याद भूल जाएगा, लेकिन ये कि प्रोफेशनल लेवल पर हर चीज़ नोट की जाती है, पर्सनली आपके अपने अंदर आप बड़ा हर चीज़ देखते हो कि यार मैंने ये परफॉर्मेंस बुरी की थी और अब उसके बाद मुझे इस परफॉर्मेंस को गलत साबित करने के लिए मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन टेप बॉल में ऐसा प्रेशर कुछ नहीं होता, टेप बॉल बेसिकली इन्जॉयमेंट का गेम है। ये बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों को, बच्चों को समझ आ गया है कि एक अगर आपको पाकिस्तान के लिए खेलना है और इंटरनेशनल लेवल पर जाना है, किसी अच्छे लेवल पर जाना है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, वरना हमें भी नहीं पता था कि ये क्या प्रोसीजर है। हमने अपना शौक पूरा करने के लिए UBL एकेडमी में एडमिशन लिया, वहाँ गुड लक मेरी ये हुई कि मंसूर अख्तर साहब वहाँ पे उस पर हेड कोच थे टीम के, जो हमारे पुराने टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुझे देखा, मेरी स्पीड अच्छी थी, स्विंग हो रहा था बॉल नेट पे, मैंने 10 आउट किए पहले दिन एकेडमी में, 10 आउट किए नेट पे, तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे अपनी मेन टीम के साथ नेट करवाया, तो मैंने वहाँ पर भी अच्छी बॉलिंग की, फिर मुझे मौका मिला एक, क्योंकि मैं उस वक्त कोई मेरी सैलरी नहीं थी, कोई क्लब नहीं था, मैं डायरेक्ट पहले दिन गया और वहाँ मुझे एक हफ्ते में उन्होंने पिक किया, उसके बाद उन्होंने मुझे मैच खिलाया एज अ गेस्ट, तो वहाँ मैंने 4 ओवर में T20 मैच खेला था पहला, मैंने 4 ओवर में मैंने 15 रन लेके 4 आउट किए थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है आज भी वो टाइम जब 2009 में पहला मैच खेला था UBL बी ग्राउंड में, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई UBL की मेन टीम में,
10,000 मेरी सैलरी लगी और उसके बाद वो काफ़ी अच्छे से चलता रहा मरहला। फिर उसके बाद फिर मेरी नज़र आज़म खान हमारे जो जोन 6 के सारे करता धरता है पाकिस्तान सीसी के, जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब कराची का सबसे बड़ा क्लब है, जहाँ से सरफराज अहमद, अनवर अली, असद शफीक बहुत सारे प्लेयर्स निकले। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पिक किया, उन्होंने अपने क्लब में मुझे साइन किया। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वही क्लब है और ज़फ़र अहमद ने बड़ा सपोर्ट किया। उसके बाद काफ़ी लोगों ने बैक टू बैक सपोर्ट करते चले गए। फिर कराची से अंडर 19 खेला, जोनल खेला, फिर स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह खेलता चला गया। लेकिन जिस तरह प्लेयर्स को स्ट्रगल करनी पड़ती है, मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी लकी रहा, क्योंकि मैंने जब टीवी पे मैच आया अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे परफॉर्मेंस हुई, अल्लाह के बड़ा करम है। और दूसरी चीज़ ये कि जब मुझे मौके मिले किसी भी अच्छे लेवल पे, लाइक मेरा 2009 में मैंने अकेडमी ज्वाइन की, 2010 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ, 2010 के एंड में जब T20 डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें शाहिद भाई कप्तान थे, शाहिद भाई ने मुझे नेट पे बॉलिंग करते हुए देखा, उन्होंने मुझे मौका दिया, वहाँ मैंने परफॉर्मेंस की। रन मुझे थोड़े ज़्यादा लगे पहले मैच में, 4 में 30 दिए लेकिन 2 आउट किए। तो वहाँ से लोगों की लाइकिंग में आता चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड बुक में आता चला गया, जिसकी वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से स्टार भी मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 वनडे इंटरनेशनल हो गए, 60 T20 हो गए और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी खेलता रहूँगा।